जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। नमस्कार, बोल कि लब आजाद है तेरे। तो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम एक दिन पहले अपने 10 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा करते हैं कि केंद्र सरकार को ये कदम उठाने चाहिए, और उसके ठीक एक दिन बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन देश के लिए उस इकोनॉमिक पैकेज के साथ सामने आ जाती हैं जिसका सब इंतजार कर रहे थे। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपके सामने गरीबों की आवाज भी रखूंगा, वो गरीब जो इन तमाम पैकेजेस के बावजूद अधर में लटके हुए हैं। उनका भविष्य एक अंधकारमय कुएं से ज्यादा नहीं है। मगर पहले हमें स्वागत करना होगा, केंद्र सरकार ने आखिरकार उस घोषणा का ऐलान कर दिया है, क्या क्या कहा है, मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात आपकी स्क्रीन पर, निर्मला सीतारमन ने कहा कि गरीबों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण स्कीम के अंतर्गत 1.7 लाख करोड़ रुपए मिलेगा। इसके अलावा जो हमारे डॉक्टर्स, हेल्थ केयर एम्प्लॉयज हैं, उन्हें इंश्योरेंस कवर मिलेगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल कवर मिलेगा 50 लाख प्रति पर्सन। इनमें से इन्हें गॉड्स इन व्हाइट बताया गया है, सफेद लिबास पहने हुए खुदा। तीसरी बात, 80 करोड़ जो गरीब हैं, जो कि 2/3 जनता है हमारे देश की, उन्हें अतिरिक्त 5 kg गेहूं और चावल मिलेगा फ्री अगले 3 महीने के लिए। 1 किलो अनाज मिलेगा, पल्सेस मिलेंगे, और उनकी जो क्षेत्रीय प्राथमिकता है उस पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा 8.69 करोड़ यानी कि 8.69 करोड़ फार्मर्स को, किसानों को तुरंत फायदा मिलेगा प्रधानमंत्री जन धन योजना की पहली किस्त के बाद। मनरेगा, अब आपको याद होगा कि पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने मनरेगा की बात की थी कि मनरेगा के आप दायरे को बढ़ाइए, तो उसमें कहा है जो 5 करोड़ परिवार जिन्हें मनरेगा का फायदा मिल रहा है उन्हें हाइक मिलेगा, उन्हें जो पैसा मिल रहा है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत 3 महीने तक फ्री सिलेंडर्स मिलेंगे 8 करोड़ परिवारों को जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। इसके अलावा जो कोलैटरल फ्री लोन्स मिलते हैं 63 लाख महिलाओं को, खासकर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं महिलाओं के, उनमें भी बढ़ोतरी की जाएगी, दुगुना कर दिया जाएगा। साथ ही तमाम जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, तमाम जो कंपनियां हैं जिनमें 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, वेयर 90% ऑफ द एम्प्लॉयज अर्निंग लेस देन 15,000 पर मंथ, उन्होंने क्या क्या घोषणा की वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। सरकार लगातार कह रही है राज्यों को कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का इस्तेमाल करें कोविड मेडिकल एम्प्लॉय एक्सपेंसेस के लिए। तो पहली घोषणा की है एक तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने, और इसका स्वागत हमें करना चाहिए, मगर अब भी गरीब का सवाल बना हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, दो पत्रकार अजीत अंजुम और विनोद कापड़ी ने अपने इलाके के आसपास लोगों से बात की जिनमें कई गरीब लोग हैं और जिनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि विनोद कापड़ी ने कुछ गरीबों से बात की। विनोद कापड़ी अपने ट्वीट में कहते हैं, उत्तर प्रदेश के नोएडा की झुग्गियों में आज करीब 100 परिवारों से मिला, सभी दिहाड़ी मजदूर हैं, दिन के 300 से 400 रुपए मिलते थे तो जीवन चलता था, 10 दिन से कोई काम नहीं है ना कोई दिहाड़ी। इन परिवारों ने बताया कि अब इनके पास एक वक्त का खाना खाने लायक पैसे नहीं बचे हैं। सुनिए ये परिवार क्या कह रहे हैं। बच्चे हैं, बताओ सियाने सियाने क्या खाओ, मान लो खाने पीने को कोई पैसा ही नहीं है, बताओ काम बंद कर दियो, कोई देने वाला है नहीं है, हैं? तो हमारा तो कोई खाने पीने को व्यवस्था करो, आओ ना कुछ हम मोदी बताओ, छोटे अब क्या खाएं, हम क्या क्या करें, बताओ आज के 4-8-10 दिन हो गए हमें, काम है ना कोई खाने पीने की व्यवस्था ना कुछ नहीं है सर, वो यही कहा कि गांव में चले जाते हैं, बाहर में भी क्या हुआ है, भाग जाते वाले जिस बात को सब लोग मजदूरी करते हैं। हां सब मजदूरी करते जी, हम बिल्कुल ही मजदूर। कितना एक दिन का कितना मिलता है? एक दिन का मजदूर का वही 300 रुपया है, 350 है 400, बस इतनी मिलती है। अब दूसरा, तकरीबन सभी परिवार उत्तर प्रदेश के महोबा से नोएडा मजदूरी करने आए थे, इन्हें राज्य सरकार से न तो कोई सहायता मिली है और ना कोई जानकारी। इनका कहना है कि हम सब
बीमारी से पहले भूख से मर जाएंगे। इनकी मांग है या तो इन्हें कोई काम मिले या गांव भेजा जाए। अब सुनिए क्या कह रहे हैं ये लोग। चावल का कुछ नहीं, किसी के पास मसालो है तो किसी के पास नमक नहीं है। कहाँ के रहने वाले आप लोग? जिला महोबा है। महोबा के उत्तर प्रदेश के हैं। जी हाँ। तो अभी तो सुना सरकार ने घोषणा की है कि सबको कुछ सहायता दी जाए। कोई सहायता नहीं मिल रही है, कुछ मिला कुछ नहीं है। उन्हें तो यहाँ क्या करेंगे, गरीब आदमी पड़े पड़े क्या खाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे, क्या हम लोग खाएंगे। जितने तो बीमारी में मैं इतने भूखे मार जाएंगे, यहाँ मजदूर आदमी वहाँ से क्या खाएंगे। अब तीसरी बात, दिहाड़ी मजदूरों का कहना है कि बाजार राशन लेने जाते हैं तो पुलिस लाठी मारती है, ऊपर से सामान और महंगा हो गया है, थोड़ा भी पहले बता दिया जाता तो ये अपने गांव चले जाते। पहले सूचित कर देते कि भाई अपना अपना व्यवस्था कर लो, घर भाग जाओ या कहीं भाग जाओ। हैं, एक एकदम से बंद कर दिया बिल्कुल, न घर भाग पा रहे न कुछ हो पा रहा। बाजार राशन लेने जाते हैं तो पुलिस लाठी मारती है। पाँच किलो का वो 200 रुपया का बैग मिलने लगा, बताओ कहाँ से। गरीब की शिकायत यही है कि थाली बजाने के लिए तो आपने 4 दिन का वक्त दिया, मगर जब लॉकडाउन की घोषणा की तो सिर्फ 4 घंटे का वक्त दिया गया। अजीत अंजुम ने कुछ गरीब, कुछ दिहाड़ी मजदूर जो पैदल जा रहे हैं दिल्ली से लेकर आजमगढ़ तक, उनसे मुलाकात की। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? आनंद बिहार। आनंद बिहार। कहाँ जा रहे हो आप लोग? आजमगढ़। कैसे जाओगे इससे? क्या इसी तरह तो जाना ही है यहाँ भूखे। कहाँ आजमगढ़ कैसे जाओगे यहाँ से? पैदल पैदल चले जाएंगे सर जी। पैदल पैदल चले जाएंगे आजमगढ़ चले जाओगे? क्या सवारी मिलती जाएगी, चले जाएंगे बैठकर। क्या करते हो यहाँ? क्या करते हैं, हम मजदूरी करते हैं, रोज रोज खाने के लिए 3 दिन से भूखे हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पर। कहाँ रहते थे आप? मंडावली दिल्ली में रहते थे। तो आपको देखना चाहिए ना वहाँ कहीं रेन बसेरा वगैरह नहीं है ना? कोई उतवा नहीं, बाहर निकलने पर पुलिस वाले डंडे से मारते हैं, रूम से बाहर निकलो। और जानते हैं दोस्तों सबसे दुख क्या होता है? सबसे दुख इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र अब भी अपनी ढिठाई छोड़ने को राजी नहीं है, अब भी अपनी बेशर्मी दिखा रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको बढ़ावा मिल रहा है। मसलन आपके स्क्रीन पर वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने यह बात कही है, जरा मोदी जी की चतुराई देखिए, घर में रहने के 21 दिन में 6 तो शनिवार रविवार हैं, 5 छुट्टियां, गुड़ी पड़वा, रामनवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे और अंबेडकर जयंती की है, काम का नुकसान सिर्फ 10 दिन, आम के आम, गुटलियों के दाम। रजत जी एक जमाने में मेरे बॉस हुआ करते थे और बहुत ही भले इंसान हैं, मेरे तमाम जो बॉसेस रहे हैं उनमें से सबसे बेहतरीन बॉसेस में थे, मगर उनका जो ये संदेश है ना वो बहुत दुखद है दोस्तों। वो ये कह रहे हैं 21 दिन में अधिकतर दिन छुट्टियां हैं। रजत जी शायद आप ये भूल गए हैं कि जो देश का गरीब मजदूर है ना उसके लिए कोई छुट्टी नहीं होती, आपके घर जो झाड़ू पोछा करने वाली आती है वो भी एक भी दिन छुट्टी नहीं लेती है, ये बात ना भूलें। बात यहां नहीं रुकती, अब ये देखिए जी न्यूज क्या चला रहा है आपके स्क्रीन पर, कोरोना के खिलाफ जंग, दुनिया मोदी के संग, यानी कि यहां पर भी ये न्यूज चैनल्स जो हैं वो मोदी मोदी कर रहे हैं, जबकि ये वक्त आ गया है कि हम सबको एक साथ एक दूसरे की जो समझ है उसे शेयर करना चाहिए। मसलन पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अपनी तरफ से ये 10 नसीहतें दी हैं, और क्या आप जानते हैं ये 10 नसीहतों पे भी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र जो है वो हमला कर रहा है। आप खुद गौर कीजिएगा, इन 10 नसीहतों में कोई भी राजनीतिक बात नहीं है, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का मुखिया ये शख्स अमित मालवीय उस पर हमला कर रहा है। मगर मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल पी चिदंबरम ने कहा क्या कहा है और सिलसिलेवार तरीके से आपके स्क्रीन पर। पी चिदंबरम कहते हैं कि मैं आपके सामने एक 10 सूत्रीय प्लान रखने वाला हूं जिसके जरिए गरीब के मेज पर खाना होगा, उसके हाथ में पैसा होगा। पहली बात कि जो प्रधानमंत्री किसान योजना है उसके अंतर्गत जो किसान को पैसा मिल रहा है उसे दोगुना कर दिया जाए, 6,000 की जगह 12,000 कर दिया जाए। दूसरी बात,
जो रिहायशी किसान है, कर्जदार किसान हैं, उन्हें भी प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत स्वीकार किया जाए, शामिल किया जाए। तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि तमाम जो मनरेगा के वर्कर्स हैं, मनरेगा के तहत जितने भी दिहाड़ी मजदूर आते हैं, उनकी एक सूची बनाई जाए और इन्हें 3,000 रुपए बैंक्स में ट्रांसफर किया जाए। चौथी बात, जो शहरों में रहने वाले गरीब हैं, उनके जो जनधन अकाउंट्स में 6,000 रुपए ट्रांसफर किया जाए। पांचवी बात, हर राशन कार्ड होल्डर को, जो गरीब राशन कार्ड होल्डर है, उसे राशन शॉप्स के जरिए 10 kg गेहूं चावल अगले 21 दिनों तक मुफ्त दिया जाए। छठी बात, जितने भी रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर्स हैं, किसी भी कानून के तहत जो रजिस्टर्ड हैं, उन्हें न्यूनतम रोजगार दिया जाए, न्यूनतम रोजगार भत्ता दिया जाए। सातवीं बात, अपने ब्लॉक या अपने वार्ड में एक रजिस्टर खोला जाए और जो ऊपर की तमाम योजनाएं इसके अंतर्गत कोई अगर नहीं आता है तो उन्हें रजिस्टर किया जाए और उन्हें मदद दी जाए। आठवीं बात, किसी भी तरह का कोई टैक्स पे करना है उसकी अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया जाए, 30 जून 2020 तक। नौवीं बात, तमाम जो बैंक्स हैं उनसे कहिए कोई भी ईएमआई पेमेंट वो 30 जून 2020 तक ना लें। और दसवीं और आखिरी बात, जीएसटी रेट्स को 5% कम कीजिए, हर तरह के वेज गुड्स और जो जरूरी सामान हैं, जीएसटी रेट्स को 5% कम कीजिए। तो ये तो तमाम बातें थी जो वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कही, उनका 10 सूत्रीय कार्यक्रम इस मुद्दे को लेकर। अब इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने हमला शुरू कर दिया है। क्या कहना है अमित मालवीय, जो कि बीजेपी आईटी सेल के मुखिया हैं। मुझे हंसी आती है कि पी चिदम्बरम हर चीज पर ज्ञान देते हैं। आप खुद फैसला कीजिए, क्या वाकई पी चिदम्बरम ने ज्ञान दिया है? एक वित्त मंत्री होने के नाते वो जीएसटी पर किसी तरह की आम सहमति नहीं बना पाए, किसी तरह के स्टिमुलस पैकेज पर सहायता को लेकर कोई काम नहीं किया, उन्होंने जमीन पर अर्थव्यवस्था को गिरा दिया, मगर मीडिया को लगातार इंडल्ज करते रहते हैं। विपक्ष में रहना बहुत आसान है और बहुत आसान है ज्ञान देना। तो अमित मालवीय, पहली बात तो ये कि ज्ञान तो विपक्ष भी देता था। मैं आपके सामने वो सिलसिलेवार तरीके से वो ढेरों बातें बता सकता हूं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विपक्ष में थे, या मुख्यमंत्री थे गुजरात के, या तमाम बीजेपी नेता स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर जब विपक्ष में थे क्या कहते थे और अब जो हैं क्या कहते हैं। तो कृपया ये बात मत कहिए। चिदंबरम उन लोगों में से हैं जो लगातार ये कह रहे थे कि हमें लॉकडाउन जल्द हासिल करना चाहिए। दरअसल ये शख्स इस सरकार का समर्थन कर रहा है, इसलिए आज की तारीख में अपनी तरफ से ये जो बातें कह रहे हैं उस पर आप सियासत मत कीजिए, इन चीजों से ऊपर उठने की कोशिश कीजिए। हमें ज्ञान दिया जा रहा है कि इस मुद्दे पर सरकार से सवाल ना करें, विपक्ष को ज्ञान दिया जा रहा है कि इस मुद्दे पर सियासत ना करें। जाहिर सी बात है, ये एक ऐसी चुनौती है जिसका हमें एक साथ मिलकर सामना करना है, मगर वो राजनीतिक आम सहमति है कहां? केंद्र सरकार वो राजनीतिक आम सहमति आखिर बना क्यों नहीं रही है? विपक्ष को ज्ञान देना, अपने प्रचार तंत्र के जरिए मुद्दों को भटकाना बहुत आसान है, मगर इन तमाम चीजों से देश को ही नुकसान होगा, इस देश के गरीब को नुकसान होगा जो इस वक्त एक बहुत ही जबरदस्त संकट में है। मैं नहीं जानता हूं कि यह महामारी इस देश में कहां तक पहुंचेगी, मगर यह महामारी इस वक्त इस देश को, देश के गरीब को पहले ही जकड़ चुकी है, जबकि उसको कोरोना वायरस हुआ भी नहीं होगा, मगर उसे अभी से जकड़ चुकी है। सिहरन पैदा होती है कि अगर यह बीमारी हमारे गांव में पहुंच गई तब क्या होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे गांव के अंदर हमारा जो स्वास्थ्य का ढांचा है कितना कमजोर, कितना लचर है। मैं फिर कहना चाहूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं कि आपको मेरी बातों का बुरा लगे या अच्छा लगे, मैं वही बात करूंगा जो इस देश की जनता के हित में है। नमस्कार।